नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं रंजीता पठारे और हाजिर हूँ आज के न्यूज इन माय प्लेट में। पिंक बॉल से पहला मैच होने वाला है, जानिए कोलकाता के इडन गार्डन में कैसी तैयारियां चल रही है। गुलाबी रंग का सुरूर कोलकाता पर सिर चढ़कर बोल रहा है। पिंक बॉल टेस्ट को लेकर शहर भर में तैयारियों जैसा माहौल है और वहां गुलाबी मिठाई तैयार की जा रही है, गुलाबी रंग से सारा डेकोरेशन किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम जानते हैं कि कोलकाता में कैसी तैयारी है मैच की। भारतीय क्रिकेट गुलाबी रंग में रंगने जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट में विराट कोहली की टीम का पड़ला निश्चित तौर पर भारी रहेगा। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई में बीसीसीआई ने गुलाबी गेंद से यह टेस्ट कराने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद टेस्ट में दर्शकों की रुचि फिर से जागने के लिए जगाने के लिए 7 साल पहले इसे मंजूरी मिल चुकी है। सौरभ गांगुली ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफी समय पहले ही इस डे नाइट टेस्ट के लिए मना लिया था। अभी तक दुनिया भर में 11 डे नाइट टेस्ट खेले जा चुके हैं। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला डे नाइट टेस्ट खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल वहीं पर डे नाइट टेस्ट खेलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत राजी नहीं हुआ था। इसकी वजह एसजी गुलाबी गेंद थी, जिसे सूर्यास्त के बाद देखना कठिन माना जाता था। इस पर अगर ओस की बूंद हो तो गेंदबाजों को दिक्कत बढ़ जाती है। गांगुली और कोहली हालांकि इसके लिए तैयार हो गए हैं। मौजूदा भारतीय कप्तान को इसके लिए हाँ कहने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। अभी तक टेस्ट की तैयारी शानदार रही है। पहले 4 दिन के पूरे टिकट बिक चुके हैं, जो दूधिया रोशनी में मैच कराने का लक्ष्य भी था। इस तरह हाइप के बीच भारतीय टीम घरेलू सीरीज में लगातार 12वीं जीत की तैयारी में है। खिलाड़ियों के लिए हालांकि चुनौती जल्द सूर्यास्त होने पर ओस से प्रभावों से निपटने की होगी। यह भी देखना होगा कि गुलाबी गेंद से खिलाड़ी कैसे खेलते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट संघ ने इस मैच को दर्शकों के लिए एक मेले की तरह बनाने के पूरे प्रतिबंध किए हैं। गुलाबी गेंद शुभंकर मैच में गेंद देने के लिए सेना के पैरा ट्रूपर जानी मानी खेल और राजनीतिक हस्तियों को न्योता देकर इसमें शामिल करने वाले हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा और उमेश यादव की तिकड़ी की शानदार तेज गेंदबाजी की बदौलत भारत ने इंदौर टेस्ट मैच में बांग्लादेश को एक पारी और 130 रनों से हराया था।